स्पीकर मैडम, मैं अपने पार्टी जेएमएम के तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे आंध्र प्रदेश को हम लोगों ने सुना। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे झारखंड में हो रहा है वो किसी प्रदेश में ना हो और ना किसी देश में हो। जो लैंड एक्विजिशन बिल वहाँ पे लाया गया है उसमें सेंट्रल का जो आपका एक्ट था 2013 का, 70% लोगों की रजामंदी, आपका असेसमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके साथ आपका जाकर के लोग अगर विरोध कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, उन सारे नियमों को हटा करके झारखंड के लोगों के हाथ पैर को काट दिया गया है। और उससे फायदा किनको दिया जा रहा है? अदानी को दिया जा रहा है और वहाँ के आदिवासियों के आदिवासियों को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। लेकिन चिरकाल से जो आदिवासी मांग कर रहे हैं धर्म कोड के लिए, सरना धर्म कोड के लिए, उसको नहीं दिया जा रहा है। आज वहाँ पे दलित पे, आदिवासी पे, क्रिश्चियन पे अटैक्स हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मिशन स्कूल में सब यहाँ पे बच्चे अपने पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन 2% क्रिश्चियन जो इस देश में आज देश के लिए खतरा बन गए हैं, इस सोच का मैं विरोध करता हूँ। आज गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग बढ़ गई है। मैं तो कहता हूँ गाय को आप जो है आधार कार्ड दे दो और उसको वोटर का, मतलब आप वोटिंग का अधिकार दे दो। जिस देश से सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट होता है और उन एक्सपोर्टरों से आप जो है अपने फंड में उनसे राशि लेते हैं, वैसे लोगों को आप आगे बढ़ाते हो, लेकिन गांव में जो लोग अपना पशुधन रखते हैं उसको आप जो है पशु बोझ के रूप में तब्दील कर दिए हैं आप लोग की नीति की वजह से। आज हमारे झारखंड में जो हो रहा है, मैं कहूंगा किसी और प्रदेश में ना हो। आज वहां 9000 से ऊपर प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद कर दिए गए हैं और पारा शिक्षक को देने के लिए 9000 रुपया नहीं है। आज झारखंड में वहां दारू बेची जा रही है सरकार द्वारा और जो दारू बेचने वाले को 20000 रुपया से ज्यादा दिया जा रहा है, ये नीति वहां की बीजेपी सरकार कर रही है, उसका मैं विरोध करता हूं। अच्छा मैम, आधा मिनट में बहुत स्पीड में खत्म किया हूं मैडम, आधा मिनट लास्ट मैडम, एक मिनट मैडम। और जो गैस सब्सिडी देने की बात, गैस वितरण करने की बात कही गई है, मैं कहता हूं हमारे यहां पेंशन 600 रुपया का है, 800 रुपया में कौन सा हुआ गैस खरीद के खाना खा पाएगा। इतना ही करके मैं अपने बातों को विराम दूंगा। बहुत बहुत